हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? तो देख रहे हैं दोस्तों, गुड़िया गोरखपुरिया जो है, उसका पति जो है लक्ष्मण, वो घर से क्या मालूम कहाँ गायब हो गया है। और इस बात का फायदा उठाकर वो लोग मतलब दुख में हैं। गुड़िया गोरखपुरी इतने दुख में हैं और इसी का फायदा उठा रही है दोनों, महादेव और उसकी बीवी गोरखपुरिया भौजी। ये दोनों इतने मतलब कमीने हैं ना, ऐसा ऐसा बात बोल रहे हैं उसके ऊपर। वो बेचारे दुख में है और वो लोग भी गुस्से में आके बोल रहे हैं, अगर कुछ भी हो जाए तो महादेव एकर जिम्मेदार तू ही हवा। अरे ये महादेव हुआ इतना मतलब, अब ऐसा है ना, गोरखपुरिया भूल गई वो दिन जिस दिन इसका पति भागा था, तो ऐसे रो रही थी, प्लीज जान चली है, प्लीज जान घिघियात रही नानी। और आज इतना बोली निकला था और दोनों हंस हंस के वीडियो बना रहे। अभी दोपहर में महादेव ने वीडियो डाला कि वो लक्ष्मण कहाँ गया है मुझे पता है, मैं किसी को बताऊंगा नहीं, पैसा लूंगा तब जाके बताऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक क्लिप देखिए इन लोगों का, लक्ष्मण का क्या हाल है इनके घर वालों का। तो देख रहे हैं आप लोग दोस्तों, ये लोग रो रो के परेशान है और वो, और कब आओगे लक्ष्मण, घर छोड़ के चले गए हैं। और वो जो लड़का उसके साथ में है वो भी बोल रहे हैं, अगर कोई भी कुछ भी होगा तो सारा जिम्मेदारी यही महादेव है, यही सब कर रहा है। और अभी इतना ही नहीं है दोस्तों, ये मान लीजिए ये तो दुख में है, परेशानी में है, कैसे जब उसके घर पे कोई परेशानी था, जब महादेव घर से फरार हुआ था तब तो गोरखपुरिया रो रही थी, तब तो ऐसे बोल रही थी, अगर के हमारे बिट्टूबा के बारे में कुछ कह देते हम उनका नतड़िया फाड़ दे, वैसे कान का करके चिल्ला रही थी। अब वो दिन भूल गई है, आज रिकॉर्ड कर रही है और शूट करके आंट संट मतलब दोनों मिल के जानबूझ के उंगली कर रहे हैं, जानबूझ के उसे बोल रहे हैं, देख रहे हो दुख में। अब ना जाने सच में है कि झूठ में है, ये तो वही जानते होंगे, लेकिन किसी के दुख में हंसने की क्या जरूरत थी। लेकिन ये दूसरे को तो बोल रहे कि महादेव को सब हार चढ़वा दिए थे, ये कर दिए थे, आज वो दिन कहाँ गया। एक क्लिप इन लोगों का देख लीजिए कि क्या बोल रहा है महादेव बा। और यही अकेले नहीं है, वो भी ये कैमरा रिकॉर्ड कर रही है, ही दाच यार रही है। आप लोग सुनिए, साइड में वीडियो दिखाई देगा। दोस्तों गुड़िया गोरखपुरिया के पति गायब हो गए और गुड़िया जी को आ गया हार्ट अटैक। अब गुड़िया जी क्या करे भाई लोग, आप लोग बताइए, गुड़िया जी के पति क्यों भागे हैं, पूरी सच्चाई जान लीजिए। गुड़िया जी के पति जी बहुत कर्जा में पड़ गए थे, उन्होंने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया कि गुड़िया के पति जी गायब, माने गुड़िया के पत्नी कर्ज, गुड़िया के पति है, गुड़िया के पत्नी है, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं भाई लोग, थोड़ा सा हमारी बातों को आप लोग बुरा मत मानिएगा। जैसे कि क्या है ना कि गुड़िया के पति को कितना कर्जा हो गया था, इतने लोग आए थे पूरी सब्जी खाने वाले, सारा पूरी सब्जी है। कैमरा मैन हंसो मत, देखो भाई कैमरा हिला, तुम कैमरा मैन हो तो कैमरा आराम से पकड़ो, हंसना है तुम हंसो, वीडियो देख हम छोड़ेंगे तो तुम वीडियो देख के हंसना। इतने लोग पूरी सब्जी खाने आए थे कि बेचारा इतना खर्चा कर दिया ना कि बेचारा अभी तक कर्जा भर रहा है, कर्जा भरने के चक्कर में अपना घर द्वार बेचारा छोड़ के चला गया। अरे भाइयों जो जो पूरी सब्जी खाए हैं, अरे बेचारे की मदद कर दो भाई, पूरी सब्जी तो खाए हो ना आप लोग, हम तो भैया पूरी सब्जी नहीं खाए, हम तो कोई मदद नहीं करेंगे, तो हम पूरी सब्जी खरीदा नहीं किए तो हम काहे मदद करेंगे भैया। आप पूरी सब्जी खाए हो तो आप मदद करो भैया लोग, जिसको जो जो पूरी सब्जी खाए वही मदद करेंगे भैया तुम्हारा। गुड़िया जी नमस्ते प्रणाम। तो देखा आप लोगों ने ना दोस्तों किस तरह से हंस रहा है। और ये तो मान लीजिए कैमरे के सामने बोल रहा है और वहाँ कैमरा पकड़ के जो गोरखपुरिया है वो दोनों हंस रही है और बार बार बोल रहा है हम तो पूरी नहीं खाए हैं तो हम क्यों दे पैसा। और इससे पहले भी दोस्तों ये बात उठाया था इसने, इससे पहले भी बात उठाया था कि इन लोगों को हार्ट अटैक या घर से भागा, पहले बोला था तो हार्ट अटैक आया, क्योंकि इनका जैसे ना दोस्तों इसको बच्चा हुआ था, बच्चा हुआ था तो इसने पार्टी देते तो सारे यूट्यूबरों को बुलाते तो उसमें पूरी सब्जी खिलाया था, तब भी यही बात उठाया था कि पूरी सब्जी खिलाया और इसका पैसा हो गया खत्म और उसी पैसे को देकर बहुत ज्यादा खर्चा हो गया तो गुड़िया को आगे हार्ट अटैक। अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि इतना खर्चा कर दिया, पूरी सब्जी सबको खिलाया और अब उस इतना खर्चा हो गया कि आ गया मतलब इतना टेंशन हो गया कि घर छोड़ के भाग गया है। और जो जो पूरी सब्जी खाए हैं, जो भी जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर गए थे, मालती चौहान मतलब बहुत सारे यूट्यूबर लोग गए थे, वो सब लोग इनको कुछ पैसा दे, मैं तो गया नहीं था तो मैं क्यों दूंगा। अब बताइए इतने मतलब गिर गया, भूल गई वही गोरखपुरिया है, तब तो बोल रही थी कि हमारे महादेव को कौनो जिया देता ना, कौनो मिया देता मुआ देता ना, जब हमार दुख बा जब तुम्हारे घर में होगा तब तुमको समझ में आएगा। आज आ रहा है तुमको समझ में? दूसरे को तो बहुत बोलती थी कि हमारे ऊपर ऐसे बना रहे वैसे बना रहे, अब तुम क्या कर रही हो, तुम भी तो वही काम कर रही हो ना, अब तो तुमको भी तो मजा आ रहा है, खूब दांत दांत निकाल के हंस रही हो। वहां रोहन को बोल रही हो कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ, हमारे 3 मिलियन सब्सक्राइबर बा,
और तुम्हारा 2 लाख सब्सक्राइबर बा, लेकिन ओकर 2 लाख सब्सक्राइबर बा लेकिन तो ऐसे ज्यादा व्यूज आएला, जाके देख लिए चैनल वहाँ पे इतने बस खाली। जब तुम्हारा व्यूज डाउन हो जाला तो महादेव के भगा दे रहू है, आ फिर ना कुछ मिलेला तो कंट्रोवर्सी करे लगलू है कि हार्ट अटैक आ गया गुड़िया गोरखपुरिया के, अब ना वीडियो फिर डाउन हो गया रीच, तब फिर अब नाटक कर दिली ओकर उठा दिली प्रिया रोहन का कि मैं करूंगा मदद 15,000 जो 15,000 मैं दूंगा जो भी बताएगा उसका पता। अब उसके साथ साथ फिर गुड़िया गोरखपुरिया को ले ली कि फिर उसको आगे हार्ट अटैक। तुम्हारा नाटक खत्म करो ये अपना नाटक, किसी दूसरे के बारे में बोल के तो बहुत मजा आ रहा है लेकिन खुद के बारे में जब बीत रही थी तब कहाँ थी तुम, तब कहाँ था तुम्हारा ये, तब तब तो खूब रो रही थी, कैसे रो रही थी जान एक बार आ जाता हम तो के कुछ ना मिलब बोलब, आ जब आ गई ना तब बिना बतौले कहाँ तू चल गई ला, हम तुम्हारे माई दादा के तोके सौंप दिया बाड़ी, हमार जिम्मेदारी खत्म, अब हमार जिम्मेदारी ना बा, तो के समझ में आएगा एक दिन हम खैले भी खा नहीं पौनी ढंग से, बेटी का हालत ऐसा हो गया ओकर सारा जिम्मेदारी तू, मतलब सारा जिम्मेदार तू ही हवा, तुहरे वजह से ऐसे भर तो वैसे भय, आज सब कुछ भूल गई, वही गोरखपुरिया है दोस्तों आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले दिखाने वाली भी यही है कि भागा था महादेव और ये जानबूझ के भागाई थी, अब क्या सच था क्या झूठ हो तो उसी को पता है, और सब कुछ मान लीजिए बीत गया है लेकिन यहाँ तक श्योर है दोस्तों कि जानबूझ के भागाई थी। और ये जो प्रिया रोहन का जो नाटक चल रहा है ये भी क्या मालूम सच है कि झूठ है, वो हमेशा आज जो बात गोरखपुरिया ने भी बोली है कि अगर तुमसे उससे दुश्मनी है तुम उसे नहीं पसंद करते हो तो क्यों अपने चैनल में उसका चैनल ऐड करके रखी हो, यहाँ यहाँ तो बस लोगों को तुम लोग चूतिया बना रहे हो, यहाँ से ये कमा रहा है वहाँ से वो कमा रहा है, बस खाली लोगों को बेवकूफ बना रहे तुम दोनों, चैनल तो हटा देना चाहिए। आज जाके आज ये बहुत भड़क गई है, बोले कि हमारा 3 मिलियन सब्सक्राइबर तुम 2 लाख पे, तो वही बात ना बोले दोस्तों उतना व्यूज भी नहीं आता है तुम्हारा, अगर तुम कंट्रोवर्सी ना करो इधर उधर का चापलूसी ये सब ना करो तो तुम्हारा उतना व्यूज भी नहीं आता है, मत करो ऐसा। वो बेचारे दुख दर्द में है, उनके घर पे क्या बीत रही है उसी को मालूम होगा, एक तो उसने गाड़ी लिया था मतलब फाइनेंस पे, उसका इंस्टॉलमेंट देना था, तो एक दो किस्त जैसे जानते हैं 3 किस्त तक आप लोग अगर मतलब पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो 4थी किस्त पे गाड़ी उठा लिया जाता है, चाहे गाड़ी रहे चाहे प्रॉपर्टी रहे चाहे कोई भी चीज़ रहता है उसे मतलब उठा लिया जाता है, तो वो लोग उठा के लेके चले गए, तो उसी टेंशन में वो घर छोड़ के मतलब कहीं चला गया है, अब वो गुस्से में है क्या है, अब उसके दिमाग में क्या साजिश चल रही है कि इस तरह से हमारे घर वाले रो रहे हैं तो व्यूज ज़्यादा आ रहा है तो चलो कुछ दिन यहीं रह लेते हैं फिर उसके बाद आएंगे। अब कुछ ये भी हो सकता है क्योंकि एक बड़ा क्रिएटर ऐसा दिखा रहा है, गोरखपुरिया ने तो पहले ऐसे कर ही दिया है, अब गोरखपुरिया ने भी यही प्रिया रोहन का ही देखा है, उसने भी ऐसा ही सेम किया हुआ है, और उसके बाद से अब ये भी सोच रहे, अभी यही नहीं है दोस्तों एक और क्रिएटर आ गई है, उसका भी पति भागा है, उसका भी पति भागा है नीतू निषाद ब्लॉग, वो भी रोज रो रही है, वो भी जाके मतलब ये काम करके दिखा रही है, मजदूरी का काम कर रही है, बच्चे को लेकर अपने पति को बुरा भला हमेशा वीडियो में बोलती रहती है, मेरा पति वैसे मेरा कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है, तो प्रिया रोहन का कौन आ रहा है मदद करने के लिए, उसको भी तो कोई नहीं मदद कर रहा है। हाँ किसी को बुरा बोलने से पहले खुद का भी तो देखो तुम क्या करती हो, अश्लील अश्लील सुबह बोल रही है कि अश्लील अश्लील, पहले अश्लील वीडियो बनाता था पोपो वाला उसका नाम रखी है पोपो वाला है, पहले अश्लील वीडियो बनाता था अब अश्लील तो बंद कर दिया, लेकिन ये लोग भी प्रिया रोहन का देख के ये भी सेम नाटक कर रही है, घर से भाग जाओ और बस भागने का नाटक करके यही सब कर रहे हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ गोरखपुरिया भौजी जी, हम भी आपके वीडियो देखते हैं और आज से नहीं बहुत दिन से देखते हैं, क्रिएटर तो हम 1.5 साल से हैं लेकिन वीडियो हम आपकी बहुत पहले से देखते हैं, ठीक है, तो आप ऐसा काम मत करो, मान लीजिए आपके घर में दुख था हम आपके ऊपर भी वीडियो बनाए हैं, हम आपके बारे में भी बोले कि महादेव जी मिल जाए, बहुत लोग बोल रहे थे ये जो गुड़िया गोरखपुरिया है इसका भी पति कई बार आपका वीडियो बनाया है, केक भी काटा है जब महादेव मिल गया है, तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो, ऐसा नहीं करना चाहिए ना तुमको। चलिए ठीक है, अभी भी आपके पास टाइम है, जो आप मजा ले रहे हो ऐसा काम मत करो, सबका दुख दुख होता है, जब तुम्हारा था तो वो भूल गई, बस यही याद दिलाना चाहते हैं हम। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक तो ज़रूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी और गोरखपुरिया जो कर रही है क्या यह सही कर रही है, प्लीज़ कमेंट करिएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।
बाय बाय।